Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मेरी तरफ से तोहफा समझ के रख लो। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। आओ। सर आपका नाश्ता टेबल पे लगा दो। जी सर। मेरे पास तेरी दुआओं के समर में सब कुछ है, ये बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा नाम मकाम, सब कुछ है जिसकी इंसान तमन्ना करता है। मगर आप भी चेहरों के हजूम में मैं बिल्कुल तन्हा हूं। मुझे माफ कर देना अम्मी,
फुफुओं के दिए हुए नफरत के जहर ने मुझे तेरे दूध के असर से आजाद कर दिया था। नादान था मैं, ना समझता, माफ कर देना मुझे अम्मी। मेरी रगों में अब खून नहीं, नफरत दौड़ रही है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आपकी रूह को जख्म दिए। जहांगीर बेटा, क्या बात है अब? वैसे तो मैंने आपको कुछ दिन पहले भिजवा दिए थे, फिर मुझे क्यों याद कर रहे हैं आप? मगर बेटा पैसों की बात नहीं है, बात मुझे कंपनी चाहिए, मैं तन्हाई महसूस कर रहा हूं। तन्हाई तो आपने अपने लिए खुद चुनी। बहरहाल अगर आपको किसी चीज की भी जरूरत हो तो आप मेरे असिस्टेंट को बता सकते हैं। और जहां तक वक्त का सवाल है, वो तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। खास तौर पे आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जहांगीर, जहांगीर, उठो, अम्मी आवाजें दे रही हैं। मीना तुम सो रही हो कि बेहोश हो? मीना प्लीज उठ जाओ ना, बहुत डांटेंगी अम्मी। बताती हूँ मैं तुम्हें, रुक जाओ, उठो, उठो, उठो। मीना उठ जाओ ना। क्या मर गई हो दोनों? ठीक है, अभी अम्मी बेलन लेकर आएंगी ना तो मुझे कुछ मत कहना। पता है तुम्हें अम्मी का बेलन कैसे चलता है? इजेबा, यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? मैं तो जा रही हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है मार खाने का। बहुत कुछ बदल गया है मेहता, लेकिन मेरे दिल की धड़कन और मोहब्बत नहीं बदली। ये मेरा दिल। तू यहाँ क्या कर रही है? अरे जा जाके नाश्ता कर ना। मैं बुक भूल गई हूँ, लेके आती हूँ। जामी आ गई बेलन के साथ। बेलन? कहाँ है बेलन? उनके हाथ में। अरे हाय, मेरे तो नसीब ही फूट गए हैं। भाई जान से कहती थी कि मेरी शादी ना करवाएं, ना करवाएं। वो मनहूस तो तुम दो मनहूसों को मेरे सर पे मार के फरार हो गया। अब तुम दोनों मेरे गले की घंटी बन चुके हो। चलो बड़ी तो फिर भी चली गई है मेरे पे, मगर ये छोटी तो बिल्कुल अपने बाप और दादी जैसी है। अम्मी मैं तैयार हूँ, चलो नाश्ता बनाते हैं। अरे आप यहाँ क्यों आ गए? मुझे एक आवाज देती मैं बाहर आ जाती। कब आती, कब आती? कितनी आवाजें तुझे मैंने दी हैं? कानों में तूने रुईया ठूसी हुई थी? रुईया क्यों ठूसूंगी, कान बिल्कुल ठीक है मेरे। चुप कर जा, चल जा जाके फौरन नाश्ता बना। अभी है बहन ने यूनिवर्सिटी जाना है, खुद तो छुट्टियां मना रही है घर पे पूरी मस्ती में। कोई लिहाज व्याज है तुझे क्या? नहीं भाई, तुम एक दिन नाश्ता किए बगैर यूनिवर्सिटी चली जाओगी तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? देखिए नहीं पड़ेगा ना, तेरी बकवास बंद नहीं होगी ना। बदतमीज, ये तूने बालों का क्या हाल किया है? हाय हाय मनुस मारी, बाल बनाने की भी तमीज नहीं है क्या तुझे? अम्मी बाल बनाने के लिए कौन सी तमीज चाहिए होती है, आपको बस मौका चाहिए मुझे डांटने का। इधर देख जरा, तूने मुंह भी नहीं धोया है। क्या पूछ रही हूँ, मुंह नहीं धोया ना तूने आज? जल्दी जल्दी में भूल गई ना।
एक दिन मुंह नहीं धोऊंगी तो क्या फर्क पड़ेगा, रोज तो धोती हूँ। अरे मनोज मारी, तुझे मुझे बताना पड़ेगा रोजाना कि तुझे मुंह भी धोना है। नहीं अम्मी, मुझे पता है कि मुंह धोना पता है तो फिर क्यों जान जलाती है, अपने बाप पे गई है। ये जूती का ना मिसयूज करना छोड़, क्यों नफरत करती हैं आप अब्बू से? तुझे मैंने कितनी बार बोला है ना कि उस मनहूस मारे की बिला मुझे तरफदारी मत किया कर, मुझे उससे नफरत है। तो अच्छी बात है ना अम्मी, कोई कोई बेटी जाती है अपने बाप से, और वैसे भी मैं अपने अब्बू से बहुत मोहब्बत करती हूँ। जब ये बेलन पड़ेगा ना तब प्यार व्यार तरह निकलेगा। जरा पकड़ इसको, क्या गिर गया अब इधर आ जरा तू। अम्मी मारने के लिए पीछे मत आइए, अभी कपड़े इस्त्री करने ना मुझे चोट लग जाएगी। यार तेरा बेड़ा गर्क हो, बदतमीज। अब तुम मेरी शक्ल क्या देख रही हो, मैं जाऊंगी यूनिवर्सिटी। जा रहे, जा, जान छोड़ मेरी। मनहूस मारिया, ये रक्षना आंटी का घर है ना? हाँ जी, वो मैं लाहौर से आया हूँ। रक्षंदा और तविंदा मेरी आंटी हैं। यहाँ क्यों आए हैं? जी मैं यहाँ रुकने आया हूँ। हम तो नहीं रोक सकते आपको। जी वो मेरी अम्मी की आंटी तविंदा से बात हो चुकी है। हाँ लेकिन वो यहाँ थोड़ी रहती, अगर आपको उनसे मिलने के लिए जाना है तो आवारा भाई के साथ उनके घर जाए, अगर आवारा भाई ने आपको बर्दाश्त कर लिया तो। जी आवारा कौन? अरे आप नहीं जानते, हमारे शहर के इतने बड़े एडवोकेट हैं, जहांगीर नफीसुद्दीन। एडवोकेट जहांगीर जो सोशल वर्कर भी हैं, आपके मुताबिक वो आवारा हैं? हम तो उन्हें बचपन से ही आवारा कहते हैं। आप कौन? शुक्र है किसी ने सेंसिबल सवाल किया। लेकिन सवाल तो मैं करती हूँ। जी हाँ ना, सब इसी बात पे मुझे डांटते, जवाब ये देती है। मीना कोई तुम्हारे सवालों का कितना जवाब दे, सब थक जाते हैं ना। आप मुझे बताइए आपको किससे काम है? अम्मी के बारे में पूछ रहे थे। चुप, आप मुझे बताइए आपको किससे काम है? जी मैं अहमद हूँ, नुसरत आंटी का बेटा, लाहौर से आया हूँ। आपके घर रहने के लिए मेरी अम्मी की बात हुई थी। ओ हाँ, मुझे अम्मी ने बताया था, आप प्लीज आइए आइए आजे। चुप रहो, दरवाजा बंद करके आओ। मेहताब, कभी वो दिन थे जब तुम्हारे लिए वकील करने के लिए इस शहर की खाक जानता था मैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं था और तुम्हें सजा हो गई। कितना बेबस था मैं, लेकिन मेरी बेबसी ने मुझे पढ़ने और मेहनत करने पे उकसाया। और आज लोग कहते हैं जहांगीर नफीसुद्दीन इस शहर का सबसे बड़ा वकील है। कुदरत ने वो सब कुछ दिया है जिसकी इंसान ख्वाहिश रखता है, लेकिन एक कमी रह गई है मेहता, जो सिर्फ तुम्हारे आने से पूरी होगी। एक अधूरापन तकमील चाहता हूं मैं अपनी मेहता। आज भी आपसे मिलने के लिए जाने लगता हूं तो मेरा दिल ऐसे ही धड़कता है जैसे सालों पहले धड़कता था। बहुत कुछ बदल गया है मेहता, लेकिन मेरे दिल की धड़कन और मोहब्बत नहीं बदली। इसीलिए इस नए घर में भी वही लकड़ी वाली सीढ़ियां बनवाई हैं मैंने, और उस पर तेजी से उतरने वाला जहांगीर और उसके कदमों की रफ्तार अब भी वैसी ही है।
आज आप नीचे क्वार्टर में तो नहीं, लेकिन आपसे मिलने के लिए मैं उसी तरह आ रहा हूं जिस तरह क्वार्टर में आया करता था। वक्त और दौलत ने सब कुछ बदल दिया, मगर ये दिल और इस दिल में बसी मोहब्बत और इस चेहरे को नहीं बदल सका। मेहताब, इतने सालों में मैंने सब कुछ बदल दिया है, लेकिन अपने दिल को नहीं बदल सका। आज भी आपका नाम सुन के ये बेरब्त हो जाता है। आज भी से लगता है जैसे आप मिलने से इनकार कर देंगे या डांट कर दरवाजा बंद कर देंगे। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा? मैं शिकायत नहीं करूंगी, घर से बाहर निकाल दूंगी। ये मेरा दीवान। एक ही तो हमारी खाला है और तुम उनके अकलौते बेटे। वैसे काफी अरसा हो गया उनका यहाँ आना ही नहीं हुआ। हाँ, कराची और लाहौर में फासले भी तो बहुत ज्यादा हैं। किसी जमाने में हम जाया करते थे लाहौर की सर्दियां देख। तो तुम यहाँ कितने अरसे तक के लिए हो? बस आंटी, 3 हफ्ते की ट्रेनिंग है और 1 हफ्ते का वर्कशॉप, बस इसी दौरान मैं यहाँ पे रहूंगा। वैसे तो मैं होटल में रहना चाह रहा था, लेकिन मम्मी को यहाँ पे अजीब सा खौफ सा महसूस होता है, इसलिए वो चाह रही थी कि मैं आपके पास रहूं। चलो अच्छा है, एक कमरा है हमारे पास तुम्हारे लिए, वहां आराम से रहो, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। जी शुक्रिया आंटी। शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुम खाना वगैरह तो हमारे साथ ही खाओगे। हाँ एक बात, यहाँ पर देर तक जागना और देर से आने पर पाबंदी, मैं इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आंटी, वैसे भी मैं सुबह का नाश्ता और रात का खाना आप ही के साथ खाऊंगा, दोपहर में तो मैं ऑफिस में होऊंगा। हाँ एक और बात, तुम्हारा कोई भी दोस्त यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ये बेटियों वाला घर है और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम्हारा कोई भी दोस्त मेरे घर आए। आप फिक्र ना करें आंटी, वैसे तो मेरा कोई दोस्त है नहीं यहाँ पे, अगर हुआ भी तो मैं उसको आपके घर से दूर रखूंगा। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं शिकायत नहीं करूंगी, घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे क्या भूखा मारेगी हमें, अब आ भी जा। आप रिलैक्स करें आंटी, नाश्ता आ जाएगा। अरे मीना आ जा, इतनी देर लगाई नाश्ता तैयार करने में। देर कहाँ लगाएगी अम्मी, फौरन तो आई हूँ। ये फौरन है? अम्मी आपको नाश्ता करना है तो करें, नहीं तो मैं खा। ये तुम
तुम शुरू करो नाश्ता। जी नाश्ता तो लाना भूल गई। आप मेरी प्लेट से ले लीजिए, मैं वैसे भी इतना नहीं खाता। अच्छा लाइन है। ये चाय है? शुक्र करें ये सवाल मैंने नहीं किया, मम्मी बहुत बातें सुनाती। चाय नहीं है तो और क्या है? क्या हुआ, चाय ठीक नहीं है? नहीं आंटी, थोड़ी अजीब सी है। चाय तो बिल्कुल ठीक है। क्या किया तुमने इसकी चाय के साथ? कुछ नहीं किया अम्मी, जो चाय आपके लिए बनाई है वो इनको भी दी है। सच कह रही हो? आपके लिए ड्रम। आपके भी बड़े नखरे हैं, अभी आए हैं नहीं के नखरे शुरू कर दिए। लाइन दिखाएं चाय। अरे इस कप में तो मैंने अंडा फेंटा था, बगैर दो चाय डाल। चले कोई बात नहीं, आज आप ये चाय पी लें, चाय के साथ साथ अंडे का मजा खुद ही आ जाएगा। ये ले। चुप करो तुम, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं आंटी ठीक है, मैं चाय नहीं पीऊंगा। आप ही मेरा माजी थी, मेरा हाल है और मेरा मुस्तकबिल रहेगी। अगर आपको मेरा यहाँ आना अच्छा ना लगे तो मुझे साफ साफ कह दीजिएगा, मजबूरी में मुझे बर्दाश्त मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी मजबूरी मेरे दिल को करांग हो सकती है। एक जमाना गुजर गया मेहता, आपने होंठों में लाल लिपस्टिक नहीं लगाई, अपने बाल खोले नहीं आपने, आपकी आंखों के हल्के गहरे से गहरे होते जा रहे हैं, लेकिन आपकी इन आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आ रही। प्लीज मेहता, जिस दिन आपके दिल में मेरे लिए हल्की सी भी मोहब्बत जागे मुझसे छुपाइएगा नहीं, मैं उन चंद लम्हों को अपनी मुस्तकिल मिजाज मोहब्बत का रिवॉर्ड समझ लूंगा। तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन जांगी। तुम जवान हो, जहीन हो, तो बस मासी हो। वक्त की रफ्तार जो भी हो मेहताब, आप ही मेरा माजी थी, मेरा हाल है और मेरा मुस्तकबिल रहेगी। खुद को मेरी नजर से देखें। तुम्हारी नजरों से खुद को देखूंगी तो स्वयं हो जाऊंगी। मैं खुशफहम होना नहीं चाहती। खुशफहम तो आप कभी भी नहीं होना चाहती थी मेहता, वरना इस अंदान में हल्की सी खुशफहमी भी आब हयात से कम नहीं। खुशफहमी मायूसी में जीने का सहारा होती है मेहता,
क्योंकि खुशफहमी की कोख से उम्मीद जन्म लेती है और उम्मीद की कोख से ख्वाब, ख्वाबों की ओट से ताबीरें और ताबीरों से एक खूबसूरत जिंदगी। खुशफहमी का दर खोलिए महकाम, उसकी खुशबू सूंघिए तो सही। अगर आपका रोम रोम महक नहीं गया, मेरा नाम भी जहांगीर नहीं। ये इतनी रात को कहां से आ रहा है तू? मैंने आपको जिंदगी भर नहीं बताया कि मैं कहां आता हूं और कहां जाता हूं। कब की पूछ रहे हैं आप? पैसे आपने मंगवाए थे, आपको भेज दिए थे मैंने, इसलिए अब आप चुपचाप किसी कोने में पड़ी रहे। अरे वाह, मैं क्यों कोने में पड़ी रहूं? मैं कोई घिरी पड़ी हूं क्या? घिरी पड़ी भी और लावारिस और बेसहारा। आई लावारिस हो मेरे दुश्मन, मैं कब से लावारिस होने लगी? जब से आप मेरे टुकड़ों पे पलना शुरू हुई हैं, तब से। देख लड़के, मैं अपने भाई की वजह से यहाँ हूँ। और मैंने भी आपको उन्हीं की वजह से इस घर में रखा हुआ है। आई पता नहीं क्यों नफीसो दीन यहाँ पड़ा हुआ है, वरना अब्बा की दुकानों का इतना किराया आ जाता है कि हम अलग घर लेकर रह सकते हैं। ये अपने अब्बा के कसीदे अपने भाई के सामने ही खोला कर। यहाँ अपना गुलाम बनाने के लिए हमें बुलाया था तूने? जब मैं बड़ी बनकर इस घर में रह रही हूँ तो अपना फर्ज भी निभाऊंगी ना। बड़ी नहीं, एहसान मैं। मैं तो तेरे मुंह ही नहीं लगना चाहती। फिर भी बिला वजह मुझसे बात करने के बहाने क्यों घूमते हो? देखो जहांगीर, ये मत भूला करो, मैंने सिर्फ तुम्हें ही नहीं तुम्हारे बाप को भी पाला है। मुझे मेरी माँ ने पाला, आपने पाला होगा अपने भाई को, और उसके एवज में मैं आपको, आपकी बहन को, उनके बच्चों को आज तक पाला। ओहो, गंदे खून ने आखिर रंग दिखाई दिया। आवारा माँ के आवारा बेटे में माँ की जुबान बोल रही आज। मेरी माँ का नाम मत लीजिए। अगर अपनी माँ पर गया होता आपकी बकवास सुन रहा हूं, उन पर नहीं गया हूं इसलिए आवारा हूं और आपके सामने खड़ा हूं। लेकिन आप तो शुक्र कीजिए कि मेरी मां मरते मरते आप लोगों का माफी नामा छोड़ गई, वरना मैं आप लोगों का वो हाल करता जो सारी दुनिया देखती है।
भाई जरा से पैसे मैंने ज्यादा क्या मांग लिए कि उसने तो अपनी आंखें माथे पे रख ली भी। और मैंने कौन सा अपने लिए मांगे थे, मैंने तो रक्षंदा के लिए मांगे थे, आएगी तो दे दूंगी। पर वो तो ऐसे है जैसे दौलत ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। जब दौलत है तो पट्टी भी बांधेगी ना। अब वो तो सब ठीक है, लेकिन दौलत के नशे में छोटे बड़े का एहतराम तो ना भूले। हर किसी को कमतरी समझता है, एक नंबर का आवारा। हमें तो उसके मुंह नहीं लगती कहीं गाली गलोच पे ना उतर आए। तुम्हारा इम्तहान है क्या कल, जो अखबार चाटे चले जा रहे हो? हैं? देखो नफीसुद्दीन अब्बा मरहूम कहा करते थे कि लड़के को सख्ती में रखो, तुम्हें सख्ती में रखा तो देखो आज तुम डॉक्टर हो। और वो आवारा आयाश पता नहीं वकील बना भी है या नहीं, या कहीं से जाली डिग्री उठा के ले आया। सबसे बड़ा वकील है इस शहर का। सारी उम्र गुजर गई मेरी भाई और भांजे की खिदमतें करते, अब बुढ़ापे में ये सलाम मिल रहा है मुझे। आ भी रक्षंदा, आके देख मेरा हाल, तेरे घर में राशन डलवाने के लिए कितनी बातें सुननी पड़ती हैं मुझे। तौसीक अंकल से जान चुराने के लिए उन्होंने किसका सहारा लिया? मेरी माँ का। हम सब की आंखों में धूल। नहीं नहीं नहीं, आपकी आंखों में नहीं, क्योंकि आप उनके साथ मिले हुए थे। इसका मतलब अहमद ने मेरा दिल चुरा लिया है। तुम्हें वो अच्छा लगता है? जो इंसान अच्छा होता है वो अच्छा तो लगता है ना।